हमारे YouTube चैनल में दोस्तों आज हम बात करेंगे गए सीडेक में जो कि पीजी डिप्लोमा कोर्स है उसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, तो आपको उसे भरने के लिए और उसके बारे में जानकारी पाने के लिए आप यहां से जाकर जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों और यहां से जाकर आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो इसमें आपको जो भी जानकारी चाहिए वो हम आपको बता रहे हैं कि आप एडमिशन पर क्लिक करने के बाद आप उस फोल्डर पर आ जाएंगे जहां से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसके लिए आपको पीजी डिप्लोमा सितंबर 2023 बैच के लिए आवेदन करना है। देखिए यहां रजिस्ट्रेशन आप सीडेक के लिए ऑप्शन आ गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए इसमें आप देख सकते हैं कि प्रोसेस एडमिशन सीडेक डिप्लोमा कोर्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इसके बारे में जानकारी यहां पर दिया गया है। एडमिशन ऑल पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स जो कि आपको यहां देखने को मिल जाता है, और किस किस बैच के लिए क्या क्या जानकारी है वो आपको यहां देखने को मिलता है। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको यहां पर ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको इंजीनियरिंग के किसी भी ब्रांच में, और एमएससी एमएस कंप्यूटर साइंस आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कर सकते हैं। डिलीवरी ऑफ मोड की बात करें तो इसमें फिजिकल ऑनलाइन दोनों प्रकार की बैचें मिलेंगी, कुछ फुली फिजिकल होंगी कुछ फुली ऑनलाइन होगी, कुछ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों होंगी। तो आप एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें तीन प्रकार के पेपर होते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी होते हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेक्शन ए के लिए पीजी डीसी डीजीआई के कोर्स वाले सेक्शन ए का एग्ज़ाम देंगे, और सेक्शन ए एंड बी के लिए डैक से लेकर डीबीडीए से लेकर ए आपका रोबोटिक्स के लिए ए एन बी होता है। ए बी सी में देखेंगे तो डिप्लोमा इन एम्बेडेड होता है एंड वीएलएसआई डिजाइन होता है, इसके लिए सी को देना ज़रूरी होता है। तो ए बी सी तीनों प्रकार के होते हैं। सिलेबस की बात करें तो आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर सिलेबस में सेक्शन ए में इंग्लिश क्वांटिटी एप्टीट्यूड रीजनिंग कंप्यूटर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, और सेक्शन बी में सी प्रोग्रामिंग डाटा स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट सिस्टम नेटवर्किंग बेसिस बिग डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बिग डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट 1 आवर जो अलग से सिलेबस को इंट्रोड्यूस किया गया है, इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदला हुआ है। सेक्शन सी में क्या करेंगे कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रो प्रोसेसर है, 1 आवर हो गया है। तो आपको यहाँ पर रेफरेंस भी देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन सा बुक किसके किसके लिए स्पेशल है, तो उस बुक को आप यहाँ देखकर परचेज कर आप पढ़ सकते हैं। तो बेसिक बिग डेटा एंड एआई के लिए डेटा इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी कोर्स इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो ए वालों के लिए 1350, ए प्लस बी वालों के लिए 1550, ए प्लस बी प्लस सी वालों के लिए 1750 होगा, और ये आपको ऑनलाइन पेड करना पड़ेगा। और डेट की बात करें कब कब होगा, तो सेक्शन ए 9:30 से 10:30 होगा, 2 से 3 होगा, 10:45 से 11:45 एंड 3:15 से 4:15 होगा, और सेक्शन सी में जो है 12:00 से 1:00 होगा, और 4:30 से 5:30 होगा। ये 15 एंड 16 जुलाई दोनों दिन होगा। तो ये हुई इसकी जानकारी, और कहाँ कहाँ पर होगा उसकी जानकारी भी यहाँ पर दिया गया, आप देख सकते हैं। इसी चीज में कंडक्ट कराया जाएगा एग्जामिनेशन, एडमिट कार्ड आपको एग्ज़ाम से पहले आ जाएगा। तो कुछ जानकारी इस प्रकार के यहाँ पर दिए गए हैं, आप यहाँ इसको आप देख सकते हैं। आगे बात करें काउंसलिंग प्रोसेस की बात, तो इसके बारे में भी जानकारी आपको यहाँ पर दे दिया गया है।
इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं बुकलेट में। सीट कैपेसिटी की बात करें और कौन सा जो सेंटर है ऑनलाइन करा रहा है, कौन सा ऑफलाइन है, तो इसको यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि डैक के कोर्स अधिकतर ऑनलाइन हैं, कुछ जो ज़्यादा स्पेशली पढ़ा रहे हैं तो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से, पैसे के हिसाब से आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन को चूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में ज़्यादा पैसे लगते हैं, ऑनलाइन में कम पैसे लगते हैं। बात करें एग्जामिनेशन डेट की, तो 6 जून 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। 5 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट है। 11 और 15 के बीच में आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा और 15 और 16 जुलाई को एग्जामिनेशन होगा। अनाउंसमेंट जो होगा 28 जुलाई को होगा। 24 से 4 में फर्स्ट काउंसलिंग, 7 में डिक्लेरेशन होगा फर्स्ट काउंसलिंग का, फिर 14 तक आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा करना पड़ेगा, 18 में आपको सेकेंड जो है कि अलाटमेंट रिजल्ट आएगा, और 22 तक आपको जमा करना पड़ेगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। सेकेंड काउंसलिंग जो होगा वो 24 से 30 के बीच में होगा और 31 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा। लास्ट पेमेंट बैलेंस कोर्स 5 सितंबर को होगा, 6 सितंबर को रजिस्ट्रेशन होगा, 8 सितंबर को स्टार्ट हो जाएगा और 22 फरवरी को एंड हो जाएगा। तो ये था दोस्तों, आपको जानकारी मिला। अब आप लोग कहेंगे कि कितने रुपए लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, तो इसके लिए आप यहाँ से डाउनलोड करके बुकलेट को देख सकते हैं। बुकलेट में आपको दिया गया है कि कौन से कोर्स का कितना फीस है, क्या क्या है, तो इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो इसको देखने के लिए आप अच्छे से बुकलेट खोलने के बाद आप देख सकते हैं। तो ये जिप फाइल है और इसको जिप फाइल को आपको थोड़ा खोलना पड़ेगा और ओपन करके हम लोग इसको देख सकते हैं। तो ये जिप फाइल है, अब बाय नहीं करने की ज़रूरत है, आप इसे देख सकते हैं यहाँ से खोलकर। तो दोस्तों यहाँ पर बुकलेट आपके सामने खुल गया है, और तो आप देखिए इसमें हर चीज़ जानकारी अच्छे से दी गई है। मेन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ इसमें से। तो आपको देखिए, यदि ऑफलाइन का तो ज़्यादा पैसा है और ऑनलाइन का 76,500 रुपये कुछ कोर्सों के लिए है। कुछ कोर्सों के लिए जैसे DBDA के लिए 97,000 प्लस GST है, इसके बाद GST आप दोनों देना पड़ेगा। और AI के लिए 1,27,000 प्लस GST है। ये है ऑफलाइन का नहीं, ये ऑनलाइन का है, और ऑफलाइन का 1,50,000 रुपये है। और वैसे ही 90,000 रुपये ऑफलाइन का है और 76,000 रुपये ऑनलाइन का है प्लस GST। तो इस प्रकार से ये आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको इसमें पूरी डिटेल जानकारी दी गई है, कितना कितने घंटे पढ़ना है, कौन कौन सा सिलेबस होगा, कहाँ कहाँ का सिटी ट्रेनिंग जो CCP एग्ज़ाम होता है किस प्रकार से होगा, और कॉमन प्लेसमेंट कैसे होगा। तो इसके लिए आपको जानकारी दिया गया है कि कहाँ पर किस किस सेंटर पर कहाँ कहाँ का आपका प्लेसमेंट होगा, कौन कौन सी